जैसे ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ट्यूब है, ट्यूब है ओपन है, बीच में लिक्विड है, भाई लिक्विड लीक क्यों नहीं हो रहा, बाहर गिरना चाहिए। यहां पे टायर ही टायर लगे हुए हैं जो रोल करते हुए आगे जा रहे हैं, और टायर्स की एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की ए है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है। पानी नीचे नहीं गिर रहा, लिक्विड नीचे गिर नहीं रहा, तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है। तो रूल नंबर वन, ये ट्यूब इसके पूरे टेंजेंशियल सरफेस पे स्लाइड करती हुई आगे जा रही है, तो अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी, टू ए। तो अगर सेंटर ऑफ मास की ए है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगी, टू ए। तो टू ए एक्सेलरेशन है, यहां पे हवा है तो पी एटमोसफेयर है, यहां पे हवा पी एटमोसफेयर है, और ये है क्या है, ए पॉइंट है। आपको बताना है कि लिक्विड की वर्टिकल हाइट अगर एच गिवन है तो बताओ एक्सेलरेशन टायर्स की क्या है, पानी नीचे नहीं गिर रहा ना, तो ये बताओ ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। ए पॉइंट का प्रेशर इसके अंदर, ए पॉइंट का प्रेशर होगा पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। ए पॉइंट का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, और ए पॉइंट का प्रेशर हॉरिजॉन्टल पे लगाएं, यहां और यहां लगाएं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऐसी बनेगी, यहां का प्रेशर क्या है पी ए है, यहां का प्रेशर क्या है पी एटमोस्फेयर है, तो पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक इज एच, एच की जगह एल, इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलेरेशन की जगह टू ए, एच रो जी की जगह एल इंटू रो इंटू टू ए। तो ये इक्वेशन क्लियर है पी ए की, तो वहां से पी ए निकाल लेना, पी एटमोस्फेयर राइट साइड पे चला गया। तो एक बार आपने ए पॉइंट का प्रेशर निकाला वर्टिकल से, एक बार आपने ए पॉइंट का प्रेशर निकाला हॉरिजॉन्टल से, अब प्रेशर की वैल्यूज दोनों में एग्जैक्टली सेम है, इक्वेट करके ऑटोमेटिकली एच आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मार्क करना है। तो आइडिया समझ में आया कि क्या लॉजिक है इसमें। एक्चुअल में ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूज हो रही है टू ए, रोलिंग मोशन के अंदर अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, टू ए। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट। जैसे ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक में जरा करेक्शन करना है, इसमें यहां लिखो फोर्स, फोर्स यहां पे भी फोर्स, करेक्शन करो फोर्स एंड फोर्स। गिवन आपके पास एक कंटेनर है और जिसके अंदर ये लिक्विड है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसके बेस पे प्रेशर क्या होगा लिक्विड का, आप क्या बोलेंगे, एच रो जी, खत्म। अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा वॉल पे, दीवार पे, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हाँ यहाँ बता देंगे एच रो जी, क्योंकि पॉइंट का प्रेशर एच रो जी होता है, पर यहाँ पे क्या प्रेशर होगा उसके लिए आपको हाइट चाहिए होंगी लिक्विड की, क्योंकि अगर कोई पॉइंट एच वन डिस्टेंस नीचे है तो एच वन रो जी, एच टू डिस्टेंस नीचे एच टू रो जी, एच थ्री डिस्टेंस नीचे एच थ्री रो जी, हर पॉइंट की हाइट क्या है, डिफरेंट। तो वॉल के इस साइड वॉल के हर पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है पहला यहां पे, ठीक है। तो एक ना शॉर्टकट नोट करना पड़ेगा आपको, अपने फॉर्मूला बुक पर नोट करें ऐसे शॉर्टकट को, इंपॉर्टेंट है ये, आ जाता है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक, तो अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है, ये रहा कंटेनर, और अगर सपोज करो जो लिक्विड की जो हाइट है यहां से यहां वो कितनी है, वो h है, लिक्विड की हाइट h है, ठीक है, तो बेस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, h रो जी, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर भी क्या होगा, h रो जी।
यहाँ का प्रेशर डिफरेंट 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 और डिफरेंट होगा, और यहाँ पे लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या होगा? जीरो। मैं एटमॉस्फेयर नहीं पूछ रहा, पानी का प्रेशर यहां पर क्या होगा? जीरो, क्योंकि वो पहला पॉइंट है। ठीक है, तो पानी का प्रेशर बॉटम पे क्या होगा? इतना होगा। हर पॉइंट पर पानी का प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज। और अगर मुझे यहां पर क्वेश्चन आ जाए कि दीवार की साइड वॉल पे प्रेशर क्या लेना है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, हर पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम एवरेज प्रेशर लेते हैं, तो एवरेज प्रेशर होगा टॉप का प्रेशर बॉटम का प्रेशर डिवाइडेड बाय टू। तो एवरेज प्रेशर लेते हैं, जो कि क्या लिया जाएगा? एच रो जी बाय टू। ठीक है यहां तक? तो ऐसे केस में ना ऊपर का ना नीचे का, हर पॉइंट पे कहीं भी आप यहां प्रेशर पूछो, यहां पूछो, यहां पूछो, मैं एवरेज के साथ काम कर दूंगा, एच रो जी बाय टू। लेकिन कायदे से कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का बैठता है, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर कोई ये कहे तो दीवार के ऊपर प्रेशर बोलो एवरेज क्या होगा, है ना, कोई पूछे कि यहाँ पे एवरेज प्रेशर क्या होगा, हर इंस्टेंट में प्रेशर चेंज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? पूरी दीवार पे क्या निकलेगी पहले? टोटल फोर्स। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, ज्यादा 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 ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो अगर मैं टोटल फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। और मजे की बात है कि मैं इंटीग्रेशन करके निकाल भी लूं तो मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाला स्टेप सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि देखा मैंने बोला था ना मैं करने जा रहा हूं, लेकिन आप न्यूमेरिकल में ऑब्वियसली इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, आप एच रो जी बाय टू यूज करेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला पहले बता दिया मैंने शॉर्टकट का। हाँ, मैं प्रूफ बताने वाला हूं कि मैंने किया कैसे, ये तो अच्छा तरीका नहीं ना, एवरेज ले लिया। तो हम टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने बुकलेट में देखा होगा, मैंने यहां पर ना मैं प्रूफ लिखा हुआ है इसका। प्रूफ में मान लो ये एक वेसल है, एच लिक्विड है, और एच लिक्विड में आपने छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएक्स, थोड़ा और मैग्नीफाई करके बनाया, तो ये दीवार ऐसी दिख रही है मेरे को, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। तो ये आपने एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स की एक स्ट्रिप ले ली यहाँ पर, तो इसकी विड्थ मान लो डब्ल्यू है और टोटल हाइट इसमें एच है। तो इसके अंदर ये बताओ कि इसमें स्मॉल एरिया क्या आएगा, जो शेडेड एरिया है, डब्ल्यू इंटू डीएक्स स्मॉल एरिया। एक्स डिस्टेंस पे लिक्विड का प्रेशर क्या आएगा? एक्स रो जी। तो लिक्विड का प्रेशर यहां पे स्ट्रिप पे फोर्स क्या लगा रहा है? एक्स रो जी को मल्टीप्लाई करते हैं इसके एरिया से, तो ये कितना है? एक्स रो जी। इसका एरिया कितना है? डब्ल्यू इंटू डीएक्स। तो ये स्मॉल फोर्स आ गई, स्मॉल फोर्स आ गई। इसे इंटीग्रेट करते हैं जीरो से एच तक के लिए, तो टोटल फोर्स आ जाएगी, ये आ जाएगी टोटल फोर्स। टोटल फोर्स को टोटल एरिया से, एरिया टोटल क्या होगा? एच इंटू डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम ये स्टेप कर नहीं रहे, और क्योंकि कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है कि सर ये कैसे, ऐसे ना होता है एवरेज ले लिया, इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो मैंने अपने इसको प्रूफ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, याद करने की जरूरत नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं, फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, हमने ऑलरेडी कर लिया एच रो जी बाय टू। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स फोर्स ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब वॉल्स का एरिया क्या है? टू पाई आर एच, सिलेंड्रिकल है, और प्रेशर क्या होता है वॉल्स के ऊपर? एवरेज एच रो जी बाई टू। तो ये क्या आ गई? वॉल्स के ऊपर एवरेज फोर्स आ गई। बेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेस पे प्रेशर क्या है? एच रो जी। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच रो जी क्या आ गया? इसमें फोर्स आ गई। तो फोर्स कह रहे दोनों की इक्वल है, बेस के ऊपर भी और दीवारों के ऊपर भी। तो बोलो एच क्या है? तो निकाल लेना यहां सॉल्व करके, सॉल्व करके जो भी निकाले एच की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, निकाल देना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को करना है? ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेना, यहां से एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा और ये एच निकाल देना, आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट ये टाइप की प्रॉब्लम है। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में दिखेगी और कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपके पास ना एक बॉल है, बॉल का एरिया मान लो ए वन है, जो वो पानी के नीचे है। मैं बॉल को टॉप मोस्ट सरफेस पे ले आया तो वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि ऊपर आने में पानी का प्रेशर कम हो गया, तो इसका एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया कितना बढ़ गया? एरिया हो गया फोर टाइम्स ए वन। तो अगर नीचे एरिया ए वन है, ऊपर एरिया कितने टाइम्स हो गया? फोर टाइम्स हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एरिया फोर टाइम्स हो गया, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है एच की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कितनी हाइट से ऊपर लेके आया, और आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर गिवन है इसमें
कितना गिवन है 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, मर्करी कॉलम नहीं 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम प्री एटमोस्फेयर के। आपको एच एस में निकालना है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, सारा गेम प्रेशर वॉल्यूम पे चल रहा है, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, क्योंकि प्रेशर जहां कम है वॉल्यूम वहां ज्यादा है। तो क्या इक्वेशन लगेगी इसमें पी वन वी वन पी टू वी टू, आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालनी है। अच्छा ये बताओ एच डिस्टेंस पे प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सिर्फ पी एटमोस्फेयर, पी वन पी टू आ गया। ठीक है पी वन पी टू क्लियर है यहां तक, तो यहां पर एच रो जी ऐड होगा, यहां पे नहीं होगा, सिंपल। दूसरा वॉल्यूम की बात करते हैं, प्रॉब्लम ये है वॉल्यूम तो मुझे पता है बॉल का 4/3 πr³ होता है, मुझे मालूम है, पर मुझे वेरिएशन एरिया में गिवन है, मुझे वॉल्यूम मुझे चाहिए तो वॉल्यूम तो मुझे वॉल्यूम करना है, पर मुझे वॉल्यूम जो पता है वो रेडियस की फॉर्म में पता है, और मुझे वॉल्यूम चाहिए इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले मैंने मैथ लगाया, वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता है, एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर से अंडर रूट लेके आर आ गया, इस पूरी आर की वैल्यू को यहां पुट करके क्यूब कर दिया, तो ये क्या बना ए की पावर 3/2 और यहां पर 3/2, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। तो मैंने वॉल्यूम को निकाला इन टर्म्स ऑफ रेडियस नहीं, इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब रीजन, जब मैं पी वन वी वन पी टू वी टू में पुट करूंगा तो पी वन की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, वॉल्यूम वी वन की वैल्यू में ए की जगह ए वन पुट कर दूंगा बस, फिर ऐसी पी टू की वैल्यू में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वॉल्यूम ए की जगह क्या पुट कर दूंगा ए टू पुट कर दूंगा, यहां से डिनोमिनेटर कैंसिल 4/3 π कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म बच गई, ए टू की जगह पुट कर दूंगा 4 into a1, क्योंकि मुझे पता है कि ए टू 4 into a1 क्वेश्चन में गिवन है, 4 raised to power 3/2 हो जाएगा, a1 raised to power 3/2 हो जाएगा, a1 3/2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 raised to power 3/2 8 होता है, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब 8 टाइम्स पी एटमोस्फेरिक में से पी एटमोस्फेरिक माइनस हुआ 7 into p atmospheric, क्वेश्चन में पी एटमोस्फेरिक की वैल्यू कितनी गिवन है 10 ρg, 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो यहाँ पर 10 ρg यानी कि 70 ρg, तो यहाँ पे एच रोजी 70 ρg कैंसिल, तो क्या आ गया हाइट 70 मीटर डिस्टेंस पे वो बॉल पड़ी हुई थी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन लोग डाउट पूछते हैं आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर, तो उन्हें बता दिया कि क्वेश्चन में p1 v1 p2 v2 कैसे लगेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है आपने इसमें। ठीक है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, एक शॉर्टकट है, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, अगर आपके पास एक क्यूब है, एक क्यूब का साइड है, क्यूब है और वो तैर रहा है, क्यूब की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी 2 ρ है, तो क्यूब तो तैरेगा ऑब्वियसली, क्यूब क्यों तैरेगा, क्योंकि लिक्विड डेंसिटी बड़ी है और क्यूब की डेंसिटी छोटी है, तो लिक्विड तो तैरेगा, तो लिक्विड तैर रहा है इसमें, एल लेंथ है इसकी, आपको हाइट बताना है क्यूब की, कितनी हाइट लिक्विड के अंदर पड़ी हुई है, तो आर्कमिडीज लगा लेते हैं। क्या है आर्कमिडीज, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट होल वेट में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, होल वेट में क्या होगा टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होता है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या होता है बेस का एरिया क्या है एल इंटू एल इंटू कितना एच, एल इंटू एल इंटू एच इंटू कितना जी, रादर लिक्विड की डेंसिटी रो की जगह 2 ρ, अपथ्रस्ट में किसकी डेंसिटी पुट करते हैं लिक्विड की, तो यहां पर क्या आएगा 2 ρ, तो ρg कैंसिल, एच क्या आ गया L/2, एक शॉर्टकट है, आर्कमिडीज तो लगा के आंसर आ ही जाएगा। शॉर्टकट ये है कि अगर कोई भी क्यूब, क्यूब के लिए या कोई भी लेंथ के लिए भी वैलिड है, लेंथ या क्यूब के लिए, अगर कोई क्यूब या लेंथ पानी में तैर रही है और फ्लोट कर रही है, ताकि उसकी डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी में ये रिलेशन है कि लिक्विड की डेंसिटी उस बॉडी की डेंसिटी से डबल है, तो स्ट्रेट अवे उसकी हाइट L/2 आएगी। अगर लिक्विड की डेंसिटी 3 ρ होती तो एच पता है क्या आता L/3, अगर 4 ρ होती तो पता है क्या आता L/4, डन शॉर्टकट। तो आज की बात करना ही नहीं है, आर्कमिडीज क्यों लगाना, पानी और उसकी डेंसिटी की रेशियो देख लो, वहीं से हाइट की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो दिमाग लगाना है इसके ऊपर शॉर्टकट है, तो मेरा शॉर्टकट के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये है एक्चुअल में, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट यूज करना है मेरे को इसमें। आपके पास क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है और एक क्यूब है, क्यूब तैर रहा है, स्प्रिंग को बिल्कुल टच नहीं कर रहा, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, ना कंप्रेस्ड है ना स्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है,
डेंसिटी कितनी है इसकी लिक्विड की, 2 रो है, बॉडी की डेंसिटी रो है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर इसकी साइड एल है तो ये लेंथ क्या होगी, एल बाई टू। ये तो स्ट्रेट अवे भी पीछा शॉर्टकट ही लगा दिया, एल बाई टू। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है कि ये तैर रहा था और डिस्टेंस एल बाई टू नीचे होगा क्योंकि पानी की डेंसिटी डबल है, तो आपने जाके इसके ऊपर वेट रख दिया, ऐसे रखा कि पूरे की पूरा नीचे चला गया है लिक्विड के। तो ये बताओ कि जब पूरा नीचे गया, पहले जब ये वेट नहीं रखा गया था तो कितना पोर्शन पानी में था L by 2, कितना हवा में था L by 2। वेट रखने से बचा हुआ L by 2 भी डूब गया, तो इसका मतलब स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस। तो स्प्रिंग की कंप्रेशन की वैल्यू कितनी है, L by 2। इससे ये पता लग गया स्प्रिंग कितना दब गया। जितना क्यूब नीचे गया स्प्रिंग भी एग्जैक्टली उतना ही दब गया। क्यूब कितना नीचे गया, L by 2, स्प्रिंग भी कितना दब गया, L by 2। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो स्प्रिंग की फोर्स कहां एक्ट करेगी, ऊपर, इक्विलिब्रियम में आ गया। आपको बताना है ये वेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? वेट ऑप्शन गिवन होगा, वेट क्या होगा। अब वेट होगा क्या, वेट कहां एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, स्प्रिंग की फोर्स कहां एक्ट करेगी, के इंटू एल बाई टू, वर्टिकली अपवर्ड। तो स्प्रिंग की फोर्स ऊपर है, के इंटू एल बाई टू, वेट की वैल्यू कहां है, नीचे है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट भी तो लगेगा। अब जो अप थ्रस्ट हमने लेना है वो कौन सा लेना है, अप थ्रस्ट लेना है एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट ड्यू टू एल नी एल बाई टू, इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैंने वेट नहीं रखा था तो एल बाई टू पोर्शन तो पहले भी पानी में था ना, वो तो पहले ही अप थ्रस्ट उसके अंदर तो ऑलरेडी यूज है। वेट से पूछा कि तूने क्या किया, वो कहता देखो मैं एल लेंथ डुबोने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं एल बाई टू डुबोने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मेरे वेट से एल बाई टू पानी और डिस्प्लेस हुआ है, तो मेरी वजह से एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट है, मैं उसी को बैलेंस करूंगा, बाकी वाला केस तो पहले ही बैलेंस था। तो एल बाई टू जो फर्क पड़ा तो अप थ्रस्ट एल की वजह से नहीं होगा, एक्स्ट्रा एल बाई टू की वजह से होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? एल बाई टू क्यों लिया, क्योंकि एल बाई टू तो पहले डूबा हुआ था, वेट रखने से वो एल बाई टू और नीचे चला गया, जितना वो नीचे जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, L by 2। तो क्या होगा, K into L by 2, एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट क्या होगा, तो जो बेस एरिया क्या होता है, L into L, तो बेस L by L into L है, और कितनी कितनी वैल्यू है इसकी, L by 2 है, तो वॉल्यूम जो भी डिस्प्लेस कर रहा है L by 2, जो पूरा डूब गया उसने इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया लिक्विड का, इंटू अप थ्रस्ट में डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की, इंटू जी, ऑप्शन मार्क कर देना। आइडिया समझ में आ रहे हैं कि कैसे सोचना है। तो वेट जब पड़ा तो उसने L by 2 पोर्शन को डुबोया, वो L by 2 तो ऑलरेडी पहले भी डूबा हुआ था, उसको तो आप देखो ही मत। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है? थोड़ा दिमाग दिमाग लगा सोचना पड़ेगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है,
क्या करना है आपको, एक ना बैरोमीटर ने किया था, मैनोमीटर बैरोमीटर, तो उस बैरोमीटर में क्या किया था कि मरकरी ली थी और उल्टा डाल दिया था और वो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम पे आके रुक जाता था, ग्रेविटी के असर से 76 सेंटीमीटर में मरकरी रुकती थी। अब वो कह रहे हैं कि उसको लिफ्ट में डाल दिया, अब लिफ्ट क्या कर रही है, गोज अप विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, लिफ्ट की एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, तो लिक्विड का लेवल नीचे गिर जाएगा, जोर पड़ेगा नीचे लिक्विड को, तो 76 सेंटीमीटर नीचे जोर पड़ेगा तो उससे कम वैल्यू पे हाइट आएगी, लेस देन 76। तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अच्छा बताओ, एक क्वाइन है, क्वाइन पानी में तैरता नहीं है, लोहे का क्वाइन है, सपोज कॉपर का क्वाइन है, ये लेंथ है, लक्कड़ का कोई प्लैंक है, तैर रहा है, एल लेंथ है, क्वाइन तैर रहा है लक्कड़ के सहारे, और लेंथ क्या है, जितनी डूबी हुई है समझ, एल, क्वाइन को मैंने नीचे गिर दिया, क्वाइन को मैंने नीचे गिर दिया पानी में, तो बताओ इस एच पानी का लेवल एच बढ़ेगा कि कम होगा, क्वाइन नीचे गिर गया बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौआ था, प्यास लगी थी, कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, पिया और चला गया, और उछल उछल के ड्रॉप पीता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, वो पत्थर डालता है, लेवल ऊपर उठता है, वो पी के चला जाता है, छींटते नहीं पी के जाता वो, सुन सुन सुन, वो कंकर जमीन से उठा के पानी में डाले गए थे, तो वो पानी डिस्प्लेस करते गए और वो ऊपर आ गया पानी, ये कॉइन ऑलरेडी तैर रहा है, पानी में ही है और पानी में डूबने वाला है, फर्क है दोनों में, थर्स्टी क्रो की स्टोरी नहीं है इसमें, उसमें कोई आर्कड़ी नहीं लगा हुआ, तो इसके अंदर कॉइन है, ये कॉइन जब तैर रहा है चाहे लक्कड़ के सहारे तैर रहा है, तो आर्कड़ी ने कहा था कि कोई भी चीज तब तक तैरती है या तब तैरती है जब अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर सकती है, मान लो ये कॉइन का वेट 10 न्यूटन है, अब ये तैर रहा है तो इसने लीक, तो प्लैंक ने तो डिस्प्लेस किया पानी, वो तो छोड़ी दोस्तों, तो पहले भी तैरना है बाद में भी तैरना है, उसकी बात ही नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा जो कॉइन का वेट है 10 न्यूटन, उसने अपने भार से पानी का 10 न्यूटन डिस्प्लेस किया हुआ है, किया हुआ है, तो लेवल मान लो यहां तक 10 न्यूटन डिस्प्लेस करने से, अब कॉइन को आपने पानी में डुबो दिया, वो तैर नहीं सकता ना, पहले तो जबरदस्ती तैर रहा था लक्कड़ के सहारे, अब उसका वेट 10 न्यूटन है, वो इसलिए डूबा क्योंकि वो खुद बिना लक्कड़ के अपना 10 न्यूटन जितना पानी डिस्प्लेस कर नहीं सकता, कम किया होगा तभी डूबा, अगर 10 न्यूटन ही पानी डिस्प्लेस कर पाता फिर तो तैर ही जाता, कोई भी चीज कब तैरती है, जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट ऑफ द बॉडी बराबर होते हैं, तो मान लो होल वेट ऑफ द बॉडी, तो कॉइन तो 10 न्यूटन है, जब तक तो वो तैर रहा है चाहे लक्कड़ के सहारे, तो वो 10 न्यूटन जितना पानी डिस्प्लेस कर गया, लेकिन जब वो डूब गया तो 10 न्यूटन जितना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया तभी डूबा, तो लेवल नीचे गिर गया, क्योंकि अगर ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा लेवल उठेगा, कम करेगा लेवल गिरेगा, तो जब भी कोई कॉइन तैर रहा है, जब तक तैर रहा है तब तक अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन जब डूब गया तो नहीं कर पाया इसलिए डूबा, तो थोड़ा कम पानी डिस्प्लेस करेगा, तो कम का मतलब लेवल उठेगा नहीं लेवल गिरेगा, और जैसे ही कॉइन खिसक जाएगा तो ये लकड़ ऊपर चली जाएगी, तो एल वैसे ही थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एल भी कम हो जाएगा और एच भी कम हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सुन लो, कुछ सोचने नहीं है पेपर में, लेवल हमेशा डिक्रीज आंसर होता है, जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा, आप बोट में जा रहे हैं, आपने बहुत सारे स्टोन ले लिए, बोट तैर रही है, स्टोन भी तैर रहा है, आप भी तैर रहे हैं, लेक का लेवल इतना है 10 मीटर है, आपने सारे पत्थर उठा के नीचे डाल दिए, लेक का लेवल क्या हुआ, पत्थर डूब गए, पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाए, लेक का लेवल गिरेगा, ऊपर उठ नहीं सकता, गिरेगा, डूबती हुई बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी पानी को उतना, तो गिरेगा, और बोट जो नीचे डूबी हुई थी वो थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, एल भी कम हो जाएगा, दोनों कम 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 आंसर है, स्टैंडर्ड है, कम ही आंसर है, ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक में गड़बड़ है मतलब थोड़े समझने में, फिर से पहले आपको नहीं समझो क्या कहता है, अगर मेरा वेट 10 है, होल वेट ऑफ द बॉडी 10 न्यूटन है, और मैं लिक्विड डिस्प्लेस 10 न्यूटन कर पाता हूं, लिक्विड डिस्प्लेस मतलब अपथ्रस्ट, एक ही बात है, 10 है तो मैं तैरूंगा,
और अगर मेरा वेट 10 है और मैं लिक्विड डिस्प्लेस सिर्फ दो ही कर पाता हूं, 2 न्यूटन, यानी आपके पास 2 न्यूटन है, तो मैं डूबूंगा। तो अगर मैं डूब गया तो मैं 10 न्यूटन जितना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, 2 ही कर पाया, तो लेवल ऊपर कैसे उठेगा? लेवल गिरेगा। ऊपर तब उठेगा जब मैं ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा, मैं तो डिस्प्लेस कर नहीं पाया तो लेवल नीचे गिरेगा। ठीक है यहां तक? नहीं करना ये क्वेश्चन, ये भी एक नए टाइप की प्रॉब्लम है, वैसे पुराने कंपटीशन में आई हुई है, बहुत देर से आई नहीं है, बट मैं मेथड कराना चाहता हूं, अगर आ जाए तो कम से कम पता हो आपको करना क्या। क्वेश्चन पढ़ लें। तो इसके अंदर ना एक कोन है, कोन के अंदर ना लिक्विड है, उल्टा करके रख रखा है। अब क्या करना है इसमें? इन्वर्टेड पोजीशन टेबल पे है, शो दैट रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास। अब क्या हो रहा है, जो जो वाटर है ना वो इस टेढ़ी वॉल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर फोर्स। वो फोर्स की वैल्यू कितनी है ये बताओ, और वो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2/3 That on the table, जो पानी फोर्स लगा रहा है बेस पे, उसके 2/3 होगी, ये प्रूफ करो। तो लॉजिक समझो, टेढ़ी वॉल्स पे प्रेशर या टेढ़ी वॉल्स के ऊपर फोर्स निकालने हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका जो आज हमने डिस्कस किया था कि पानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वॉल पानी पे फोर्स लगाएगी, तो याद है ऐसे किया था। फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कैंसिल, वर्टिकल कॉम्पोनेंट आएंगे सारे नीचे। फ्लोर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1 है, पानी का वेट mg है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे है, प्लस mg इक्वल टू कितना? n1। तो यहां से सिग्मा ऑफ nv आ गया। तो n1 की वैल्यू क्या है? n1 h rho g into pi r square, मास कितने है? वॉल्यूम, वॉल्यूम कोन का, into डेंसिटी into g। तो माइनस करने के बाद ये टर्म आएगी, pi r square बेस का एरिया है और h rho g बेस का प्रेशर है, तो ये बेस का फोर्स आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में सीधा ऑप्शन मार्क करने को आएगा, कोन के केस में जो दीवार पे जो इसकी वॉल्स हैं उसके ऊपर जो फोर्स होती है वो 2/3 टाइम फोर्स ऑन दी बेस होती है। इसको हाईलाइट कर लो, सीधा आंसर ही हाईलाइट करो। मेथड सिखा दिया,
और सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधा हाईलाइट करके 2/3 कर देंगे। तो जी भाई कोन है, कोन के ऊपर जो जो फोर्स लगेगी और लिक्विड की N1 NV वर्टिकल फोर्स, वो किसके इक्वल होगी 2/3 टाइम जितनी फोर्स उसकी बेस पे। सेम क्वेश्चन कर दिया हेमिस्फेयर के साथ, फिर से हेमिस्फेयर की फोर्स निकाल लो जो लिक्विड और इस कंटेनर की है। रूल वही है, नॉर्मल डायरेक्शन N1 ऊपर है, वेट इसका mg नीचे है और इसका नेट वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल का नीचे है। तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट प्लस mg इज इक्वल टू N1। तो N1 की वैल्यू क्या है, h ρg इंटू πr² और m की वैल्यू क्या है, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ हेमिस्फेयर। बस एक फर्क है, यहां पर हाइट और आर एक ही बात है क्योंकि हेमिस्फेयर है, एच की जगह आर पुट करके ये आंसर आएगा। इस आंसर में पायर स्क्वायर बेस का एरिया और एच रोजी या आर रोजी इसमें प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया, थ्रस्ट ऑन दी बेस। आंसर मार्क करो, हेमिस्फेयर के केस में वॉल्स के ऊपर जो थ्रस्ट होगी 1/3 टाइम्स होगी, कोन में कितनी थी 2/3, हेमिस्फेयर में कितनी है 1/3। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ज्यादा फिगर चेंज करेगा नहीं क्योंकि फिगर का एरिया तो वॉल्यूम तो आपको आता नहीं होगा, तो स्टैंडर्ड दो फिगर्स हैं, दो की दो हो गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधा मार्क कर देना, और बाई चांस अगर फिगर चेंज हो गई तो मैंने तरीका भी बता दिया क्या करना है, ज्यादातर चांस कम है होने का, वैसे पेपर चल रहे हैं, स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन बड़ा सही बनाया उसने, जिसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेरिवेशन की हुई है, बस वो टेस्ट कर रहा है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं दिया, अगर आपको आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पेशली जो आपने एनसीईआरटी डेरिवेशन की थी, बस वही उसने टेस्ट करना है, एक लाइन में खत्म कर देगा। कहानी बड़ी है, काम एक लाइन का है। आया एडवांस में हुआ है, नीट और मेन में भी सकता है, स्कूल में नहीं आएगा। क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, नहीं सिलेंडर है लेकिन फोटो में देखने में लग नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा था। इसमें से इतना पोर्शन हेमिस्फीयर का काट दिया और फेंक दिया, तो फिगर ऐसी दिख रही है आपको। इसका वॉल्यूम वी है, रेडियस सिलेंडर का आर है, और डेंसिटी लिक्विड की पता है और एच पता है। वो ये पूछ रहा है, इस पूरे अरेंजमेंट को देखते हुए ये बताओ कि, और रिमेनिंग सिलेंडर का मास भी पता है, एम है, इस पूरे का मास एम है, वॉल्यूम वी है, मास एम है। आप ये बताओ हाउ मच फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एक्सपीरियंस बाय द लिक्विड। तो एक लिक्विड इसके बॉटम पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ। तो एक सिलेंडर इसके बॉटम पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ। अगर आपको आर्किमिडीज याद हो तो ये सिखाया था कि किसी भी बॉडी के ऊपर लिक्विड ऊपर से भी फोर्स लगाता है और नीचे से भी लगाता है, और नीचे माइनस ऊपर की फोर्स को अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो यहां की फोर्स क्या है, यहां का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू एच रो जी, और यहां की फोर्स क्या है एफ जो निकालनी है। अब मुझे पता है कि नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स एफ माइनस एफ टू को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट निकालना आता है आपको, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, आपको एफ टू मैंने निकाल के दे दिया, पुट करके आंसर ऑप्शन मार्क कर लेना, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर है यहां तक? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थ्योरी इसमें यूज हो रही है, इसकी जरूरत नहीं है। एक मरकरी बैरोमीटर